आप देख रहे हैं चौहान वीडियो। तो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जून एग्ज़ाम से रिलेटेड। जून एग्ज़ाम के ऊपर काफ़ी सारे स्टूडेंट काफ़ी सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर वो असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 15 जुलाई 2021 तक भी अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए, या फिर किसी कारण से वो असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए, उनके यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन की सुविधा नहीं थी और ऑफलाइन के लिए वो अपने स्टडी सेंटर में नहीं पहुँच पाए, तो अगर ऐसा है तो आप फिर भी एग्ज़ाम दे पाएंगे। यानी कि जून में जो जून का जो एग्ज़ाम 3 अगस्त से शुरू हो रहा है, फिर भी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर आपको एग्ज़ाम फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो आप एग्ज़ाम तब भी दे पाएंगे। आप अपने असाइनमेंट जो है वो दिसंबर में सबमिट कर सकते हैं। दिसंबर सेशन के जो असाइनमेंट सबमिशन होता है वो अक्टूबर से शुरू हो जाता है, तो अक्टूबर से आपको असाइनमेंट फिर से सबमिट कर पाएंगे आप उसके बाद। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि ग्रेड कार्ड आपका कंप्लीटेड तभी आता है, ग्रेड कार्ड आपका तभी कंप्लीट माना जाता है जब आपके असाइनमेंट का रिजल्ट और आपका थ्योरी का रिजल्ट, यानी कि जो एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं को थ्योरी कहा जाता है, तो थ्योरी का रिजल्ट और असाइनमेंट का रिजल्ट दोनों का कंप्लीट होना चाहिए। दोनों में अगर आप पास हैं तभी आपके ग्रेड कार्ड में उस सब्जेक्ट के आगे कंप्लीटेड लिखा हुआ आता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। अगर आप जून के एग्ज़ाम के असाइनमेंट दिसंबर में सबमिट करेंगे तो असाइनमेंट सबमिशन का जो रिजल्ट है उसमें भी लेट होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट के मन में ये भी क्वेरी कि जून स्टूडेंट अगर कुछ एग्ज़ाम अगस्त में दे दें और कुछ एग्ज़ाम दिसंबर में दे दें तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल है, आप अगस्त में कुछ एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसके बाद अगर आप चाहें तो दिसंबर में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन एक बात इसके साथ मैं और बता दूं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो दिसंबर में आपको जो एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा उसमें आपकी फ़ीस एडजस्ट नहीं की जाएगी। ठीक, फाइनल ईयर स्टूडेंट है जो कि अगस्त में इस समय एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपने आपके 5 सब्जेक्ट हैं और उनमें से 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आपने जून में दिए, अगस्त में दिए, 3 अगस्त से जो एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं तब दिए, और बाकी के बचे हुए 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम अगर आप दिसंबर में देना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा और एग्ज़ाम फॉर्म में आपकी फ़ीस एडजस्ट नहीं की जाएगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट की तरफ से ये भी कमेंट किया गया था कि अब क्योंकि पेंडेमिक है तो उसकी वजह से गोल्ड मेडल में भी कुछ रिलैक्सेशन दी जाएगी, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एग्ज़ाम जून में देने थे अब अगस्त में दे रहे हैं और एग्ज़ाम भी आगे पीछे हो रहे हैं, तो क्या इस वजह से गोल्ड मेडल में इस तरीके की कोई छूट दी जाएगी? तो गोल्ड मेडल के जो एलिजिबिलिटी रूल हैं वो वही हैं जो कि हर सेशन में होते थे, प्रीवियस सेशन में जिस तरीके से थे, यानी कि अगर आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हैं और वो आपके अगस्त में होने वाले हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम अगस्त में ही देने होंगे। अगर आपने उसके एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी अगर आपने अभी ना देकर दिसंबर में दिया या फिर एक एग्ज़ाम में भी आप फेल हो गए तो फिर आपका जो गोल्ड मेडल में आपका नाम नहीं आएगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि गोल्ड मेडल के सभी रूल्स वही हैं जो कि पिछले सेशंस में रहते थे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।